लखीमपुर खीरी जिले में इन दिनों दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में भटक भटकाकर बाहर निकले बाघ और तेंदुए ने जंगल के आसपास के दर्जनों गांवों में गन्ने के खेतों में शरण लेकर अपना आतंक मचा रखा है, जिससे अगस्त महीने के अंदर ही बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। बीती 27 अगस्त को हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमलिया गांव के रहने वाले 45 वर्षीय अमरीश कुमार गन्ना बांधने के लिए खेत गया था, तभी वहां घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीट ले गया, जिसके बाद उसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। अमरीश की मौत से गांव में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक अमन गिरी, DFO संजय कुमार व CO ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी गांव पहुंचे और उन्होंने बाघ को पकड़ने के निर्देश दिए। 8 से 10 बाघ का बाहर होने का अंदाजा है जी। तो इसमें सर लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो लेकिन लगातार नहीं हो रही है, अभी एक ही हुई है, लगातार नहीं हुई। इससे पहले कौन सर कई कितने पशु मारे गए सर? एक महीने में 4 घटनाएं हुई हैं। इतना सब सर हमारे पास कई आसपास के क्षेत्रों में अच्छा गोला में उधर सदर जी जी जी, इसके लिए हम रोकने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प है और हम इसको रोकेंगे। सर आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है तो उसमें तत्कालिक कार्रवाई क्या रही आप लोगों? देखिए हमारा ये है, पहला काम तो ये कि हम वहाँ पे कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाएंगे, थर्मल कैमरा थर्मल ड्रोन लगाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि टाइगर किधर है और उसको हम पकड़ेंगे। केज लगवाए गए हैं ताकि अगर उसमें आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करके उसे पकड़ेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे। सर पहला काम तो हमारा ये, दूसरा काम ये होगा कि हम गन्ने का खेत जहाँ उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया है, उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि गन्ने की कटाई जिन एरिया में टाइगर रहने की संभावना है उनको पहले हम गन्ने की पट्टी दे दें, ताकि वो जब काटेंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा, नहीं तो उनमें रह के बाकी में लोग काटेंगे तो उन पर टाइगर अटैक करेगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जो है यहाँ के लोग पकड़े जाएँ, टाइगर यहाँ से चले जाएँ, यहाँ के लोग सुरक्षित रहें, यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसी के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कर रहे हैं, उन गाँवों में लाइट रहे, उन जगहों पे लोगों से हम कह रहे हैं भाई आप अपने घर में शौच को जाइए, जंगल में शौच के लिए मत जाइए। उसके साथ ही साथ उनसे यही कहा जा रहा है कि और जो भी अकेले दुकेले मत जाओ, शाम के वक्त खास तौर से मत जाओ, और जाओ तो अपने साथ लाठी या डंडा रखो, उससे अपने आप में हिम्मत बनी रहती है और इस तरह के इंसिडेंट को रोकना ही हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। क्या आज जब ही मौके पर भी कल शाम को ये घटना है, आजान गांव है हमारे हैदराबाद थाना का, महेशपुर रेंज आ जाएगा, वहाँ पे एक टाइगर व्यक्ति 45 साल व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके लिए हम लोग नहीं जो है रात को आया था उस जगह पर देखने और सुबह से ही हम लोग पूरा लग गए हैं। तो अभी जो है वहाँ 2 केज और 4 कैमरा लगाए गए हैं ताकि टाइगर को जो है उसका मूवमेंट कहाँ है पता कर सके, और हमारे PCC कॉलेज सर आए थे उनसे भी परमिशन लेकर जो है उनसे भी केजिंग का परमिशन मिल जा रहा है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी और बाकी किसी का जान मान होना तो बहुत दुखद होता ही है, लेकिन लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में अकेले खासकर खेतों की तरफ मत जाएं और शौच वोच जिसे ओपनली ये सब ना करें, क्योंकि इसी में ही जानवर रहता है। आजकल खासकर थोड़ा खतरा बढ़ गया है क्योंकि जैसे जंगल में पानी भर गया है तो जंगली जानवर थोड़े इधर उधर घूमते हैं गन्ने में, तो उससे भी अपने भी सावधानी।